जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो तीन वस्तुएँ हैं, ये हमारे घर से हमें बाहर अभी कर देना चाहिए। इन्हें को घर में रखने से और इस तरह की चीज़ों से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता, दरिद्रता और अशुभता हमारे घर में आती है। कई बार हमारे काम नहीं बनते हैं, कई बार विवादित स्थितियां बन जाती है, घर में शांति नहीं रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर तकलीफें बढ़ गई, मतलब ओवरऑल जीवन एक अच्छे वे में जा रहा था पर एकदम से चीज़ें डाउनफॉल में आ गए। घर में कोई अस्वस्थ रहने लग गया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में होने लग गई जो हमारी कल्पनाओं से परे हैं। हम बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, हम कभी भी किसी का जाने अनजाने में कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है। तो जहाँ तक एक मोटे ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ और ये सकारात्मक चर्चा पर है वीडियो, कि कई बार ये चीज़ें मैंने आमतौर पर देखी है कि हम सब चीज़ों पर तो बहुत गौर कर लेते हैं पर हमारे घर में कुछ चीज़ें होती है जिन पर हम शायद गौर नहीं करते हैं, जाने अनजाने में नहीं कर पाते हैं और उस वजह से हमें तकलीफ़ें झेलना पड़ती है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को सही करने के लिए। तो वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिन्हें आपको सही करना चाहिए और अच्छी टिप्स जो भी है जो इन सब समस्याओं से आप बाहर आ पाएँ, वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभू, हर हर महादेव। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहली बात है कि हमारे घर में जो बहुत सारी तस्वीरें हैं और जो खंडित मूर्तियां हैं और बहुत सारी तस्वीरें जो हैं और खंडित मूर्ति या खंडित तस्वीरें जो हैं, उन्हें आज ही अभी इसी वक्त आप प्रवाहित कर दें। मतलब जो भी अपने घर के पास कोई बड़ी नदी हो, वहां पर उन सभी को प्रवाहित कर दें, या आप उसे ऐसी जगह पर भी गाड़ सकते हैं, सुरक्षित जगह पर भी गाड़ सकते हैं, जलाने से बचें दोस्तों उसको। तो इस तरह से हम पहली और मुख्य चीज़ों को सही कर सकते हैं, क्योंकि ये खंडित चीज़ें जितनी भी ये हमारे घर में नकारात्मकता लेकर आती है। हमारे घर में बहुत सारी तस्वीरें भी हमें नहीं रखना चाहिए, कम तस्वीरें रखें, भगवान की कम तस्वीरें रखें। दूसरी बात होती है जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ कबाड़ है, जो अनुपयोगी है, हम बहुत से कबाड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, उस कबाड़ को आज अभी से वक्त ही या तो किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दें, वो कपड़े जो हमारे ज़रूरत में नहीं आते उन कपड़ों को डोनेट कर दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें घर में नेगेटिविटी और ऊर्जा का जो संचार है, जो सकारात्मकता, उसे डिस्टर्ब करते हैं और उस वजह से कई बार बड़ी बड़ी परेशानियां घर में क्रिएट हो जाती है और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तीसरी और मुख्य बात जिसको आपके घर से बाहर आपको करना चाहिए वो है दोस्तों कि नकारात्मकता जो हमारी सोच है, थॉट है, जो हमारे अंदर होती है, तो हम उस नकारात्मकता से बाहर आके खुद को पॉजिटिव करें, या तो मंत्र जप के कारण या ओम नमः शिवाय का जप करके, सभी लोग घर के, तो उससे भी बहुत फायदा आपको। अच्छा लगा, लाइक करें ओम नमः शिवाय।